साल था 2011, जगह चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज। छात्र संघ के चुनाव का वक्त था, नतीजे आ चुके थे और चुनाव के बाद की गहमा गहमी चल रही थी। हारने वाले गुट और जीतने वाले गुट में इसी दौरान झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, कई लोग इसमें घायल होते हैं। लेकिन बदले की आग यहीं शांत नहीं होती और जीतने वाला गुट हारने वाले गुट के अध्यक्ष बलकरण की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला देता है। लड़की चीखती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन सब तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। परिसर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ गूंज रही थी लड़की की चीखें। और थोड़ी ही देर में लड़की की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई और जन्म हुआ एक ऐसे गैंगस्टर का जिसका आज एक मैसेज किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। तारीख थी 12 जनवरी 1993, जब बलकरण बरार का जन्म पंजाब के एक समृद्ध घर में हुआ था। पिता हरियाणा में नौकरी करते थे और उनके पास में अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। माँ हाउसवाइफ थी। बलकरण को बचपन से ही पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, शुरुआत से ही वो रईसी की जिंदगी जीता था। बलकरण जब 10वीं में पहुंचा तो साथ पढ़ने वाली एक लड़की से उसे एक तरफा प्यार हो गया। लेकिन बलकरण की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ज़्यादा वक्त तक उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता था और कुछ ही समय में ये एक तरफा प्यार दो तरफा प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और पहले तो दोनों ने साथ साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और उसके बाद में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दोनों ने साथ एडमिशन ले लिया। लेकिन बलकरण का जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज की राजनीति में बढ़ने लगा। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संगठन बनाया जिसे शॉर्ट में सोपू कहते हैं। जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुआ तो बलकरण ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। बलकरण हार के बाद भी कॉलेज में अपना दबदबा बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद लिए। चुनाव के बाद आए दिन बलकरण का गुट और साथी विरोधी गुट के बीच में लड़ाई होती रही। लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके बढ़ने लगे और फिर साल 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई। इसी दौरान विरोधी गुट ने बलकरण की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और बाद में इसे हादसे का रूप देने की कोशिश भी की गई। इस घटना ने बलकरण की दुनिया को पलट कर रख दिया और बलकरण बन गया लॉरेंस विश्नोई, जिसने अपनी खरीदी हुई रिवॉल्वर से पहले तो कई छात्र नेताओं की हत्या की। लॉरेंस विश्नोई ने आज देश भर में अपराध और खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी गूंज पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक सुनाई देती है। आज लॉरेंस विश्नोई का गैंग ना सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई ज़्यादा एक्टिव है। आज सलमान खान को मारने की लॉरेंस विश्नोई की तरफ से बार बार कोशिश की जाती है और लॉरेंस विश्नोई का नाम आज हर किसी की जुबान पर है।